गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। कैन यू हियर मी ऑल? Is my voice audible to all? ओके, गुड मॉर्निंग साहिल, हिमानी, हिमांशु, रितु, रिशिता, करिश्मा, टिंकू, मलिक, सेम टू यू, अंजलि तोमार, हिमानी, रूही, दीपा, इम्तियाज अली, बलराम यादव, समरीन, प्रियंका, आर रूही, रूही रूही, ओके। सो अ वेरी वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आकांक्षा, विशाल, कंचन, ओके। सो आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन टुडे? ओके, गेट सेट गो, वेल डन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, इसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में दे दिया है कि व्हाट आर एग्जैक्टली दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस, कहां कहां पे इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को अप्लाई किया गया है। ओके, डन। सो इफ वी डिस्कस अबाउट दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, व्हाट आर एग्जैक्टली दीज एनिमल्स? वो एनिमल जिनमें हमने क्या किए हैं, जहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जिनका डीएनए जो है वो मैनिपुलेट हो चुका है, यानी कि चेंज हो चुका है डीएनए। ओके, जिनके डीएनए में हमने एक्चुअली ट्रांसजीन इंसर्ट किया है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्चुअली ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम एक्चुअली ये जीन्स इनके ऑल्टर क्यों करते हैं? सो दैट हम इनसे कुछ अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट्स जो है वो जनरेट कर पाए। ओके, दैट इज द एम ऑफ द जनरेटिंग दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, सो हमने कल बताया था कि लास्ट लेक्चर में वॉट एवर वॉज देयर देयर दैट दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव एक्चुअली बीन यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। ओके, इफ वी कम टू द यूटिलिटी ऑफ दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वेयर एंड ऑल दे हैव बीन यूज्ड, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटी ऑफ दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज अबाउट that they can be used to study the normal physiology and development, isn't it? Normal physiology and development, hamare NCERT ke hisab se jo jo points hame diye gaye hai, we are going to discuss them here only. Okay, so what does this mean, normal physiology and development? Yes, gene manipulation for mankind, very good. Vaccine safety testing, toxicity testing, ma'am. Okay, yes, exactly. There were lots of applications. Okay, so we will discuss one by one. We will start with the first application that we call as normal physiology and development. Okay, so ye jo hamare transgenic animals hai, now how we can use them? We can use them for two purposes.
ओके किसी भी जीन के बारे में अगर हमें स्टडी करना है, ठीक है, सो जीन रेगुलेशन के बारे में, बाय ट्रांसजेनिक, बाय मेकिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स वी वुड बी एबल टू स्टडी हाउ एंड ऑल जीन्स आर रेगुलेटेड, किस तरह से जीन का रेगुलेशन, किसी भी जीन का रेगुलेशन कैसा हो रहा है, ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इस जीन रेगुलेशन की वजह से फिर हमारी बॉडी पे क्या इसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, हाउ इज दिस जीन रेगुलेशन इज इफेक्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इस सब को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, सो वी से दैट दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज टू स्टडी जीन रेगुलेशन एज वेल एज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अ पर्टिक्यूलर जीन ओवर किस पे द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, ओके सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्चुअली ट्रांसजेनिक यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है बेटा, हमने कहा कि जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स है इनका फर्स्ट एप्लीकेशन है कि दे कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है इनके हम अंदर जो हम ट्रांसजीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसजीन्स हम इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन के बारे में जान सकें, ठीक है, उसका क्या रोल है हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस पे, उस जीन का रोल क्या है, दैट कैन बी एक्चुअली स्टडीड, ओके इज दैट क्लियर, किस तरह से वो जीन हमारे नॉर्मल फंक्शंस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि नॉर्मली हमारी बॉडी तो चल रही है लेकिन उस जीन का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इस नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट पे, वो हम पता कर सकते हैं वाय द यूटिलिटी ऑफ दीज ट्रांसजेन्स, ओके यस वेरी गुड पूजा आस्था गौरव गुड गुड अब यहां पर हमारे पास एनसीईआरटी में एक अच्छा सा बेहतरीन सा एग्जाम्पल दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी दैट अगर हम बात करेंगे देयर इज अ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी कॉल एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ओके क्लियर यस वेरी नाइस तो ये जो इंसुलिन लाइन अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हमने कहा एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक स्पेसिफिक जीन है, इस जीन को हम नाम देंगे, वी विल कॉल दिस जीन एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन, ओके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन, इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद फाइनली यहां पे एक प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, एक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होगा, दैट वी कॉल एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अगर हमें ये जानना है कि इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, हम ये कहते हैं कि इसका जो रोल है दैट इज ऑन ग्रोथ, ठीक है, नॉर्मली हमें पता है कि इसका रोल क्या है, दैट इज ऑन ग्रोथ, ओके बट ग्रोथ में सिर्फ एक का रोल तो नहीं होता, ग्रोथ एक्चुअली एक ऐसा इवेंट है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो अब अगर हम चाहते हैं कि अगर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रोथ में है लेकिन ये क्या, कौन सा रोल इसका ग्रोथ में है, ठीक है, ये कौन सा पार्ट जो है एनहेंस करेगा ग्रोथ प्रोसेस में, सो दिस इज दैट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ दिस by formation of these transgenic animals. कहने का मतलब ये हमने एक normal organism लिया, ठीक है, जिसमें हमने पता है कि ये ILGF gene है, यानी कि insulin like growth factor gene है, इस gene की transcription translation के बाद बनेगा insulin like growth factor, ठीक है, और वो insulin like growth factor जो है वो किस में help करता है, growth में help करेगा, ठीक है, अब अगर हम transgenic animal बनाएंगे इसी फैक्टर के लिए एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस ट्रांसजेनिक एनिमल में जो ये जीन है हमारा, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन जो है, ओके
इस जीन की जगह कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इस जीन की जगह कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इज दैट क्लियर? ओके, सो जब ये फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया गया यानी कि ये वाला जीन अब है ही नहीं, ओके जब ये जीन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम ये जान पाएंगे कि जो भी चेंज अब इस टाइम हम ग्रोथ में के रिलेटेड देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है, क्या ग्रोथ में ज्यादा थिन हो रहा है, लीन हो रहा है, वट एवर जो भी चेंज हमें मॉडरेट चेंज अब जो हमें ग्रोथ में नजर आएंगी वो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो चेंज है ये किसकी वजह से थी, दीज चेंज वेयर ड्यू टू दिस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ओके ओके गुड, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, देखो बेटा मैं फिर से बताती हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। हमने कहा पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज अबाउट कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो हाईली बेनिफिशियल है इन स्टडीइंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ जीन्स, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। हमने कहा कि जो हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं दे कैन बी यूज टू स्टडी किस तरह से जीन्स, कोई किसी जीन के रेगुलेशन को अगर हम स्टडी करना है, उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को अगर हमें स्टडी करना है, इसका क्या रोल है नॉर्मल एक्टिविटीज में, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में, अगर हमें इन सब के बारे में स्टडी करना है देन वी कैन एक्चुअली यूज दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। किस तरह से यहाँ पर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स से स्टडी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जीन की वर्किंग को, उसका योगदान क्या है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में, कैसे हम स्टडी करेंगे? यहाँ पे हमारा रेफरेंस दिया है एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर से, दैट इज वी कॉल एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। हमें ये तो पता है, अभी रैंडमली हमें ये पता है कि ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है इसका रोल क्या है, इट हैज अ स्पेसिफिक रोल इन प्रमोटिंग ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ को अगर देखा जाए वो एक कॉम्प्लेक्स इवेंट है, उसमें सिर्फ इसका रोल नहीं होगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जीन का जो ये ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है इसका क्या रोल है, अगर ये नहीं होगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जब हम वो जो हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल होगा उसके अंदर हम इस जीन को जो हमारा एक नॉर्मल जीन था दैट वी कॉल एज ILGF जीन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन जो था, उस जीन को हम क्या कर देंगे, उसकी जगह हम कोई फॉरेन जीन डाल देंगे, ठीक है। मतलब अब ये जीन ही नहीं रहा, जब ये जीन नहीं रहेगा तो इसका मतलब यही हुआ कि ये ग्रोथ फैक्टर हमारा सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। अगर ये ग्रोथ फैक्टर सिंथेसाइज नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि ग्रोथ में क्या डिफेक्ट्स रहे, ग्रोथ तो हुई, क्या ये ग्रोथ नॉर्मल हुई, क्या ये एबनॉर्मल हुई, क्या क्या चेंज हमें इविडेंट होंगे, वो चेंज जो अब हमें इस ग्रोथ फेज में इविडेंट होंगे इसका मतलब वो उन सारी चेंज का रोल जो था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो किसकी थी, That was with respect to this insulin-like growth factor. Okay? Is this clear to everyone? What happened, Aditya? बेटा ये तो अभी हम जीन के इफेक्ट को स्टडी करें, वो तो हम डिजीज में उसका रोल बता सकते हैं। Is this clear to everyone? जल्दी से लिख दो बेटा। बफरिंग जिनको हो रही बेटा, लक्ष्मी, शिवा सिंह, आर्यन, दोबारा से लिंक को रीलोड कर लो बेटा। ओके, एनी रेपिटेशन? आदित्य, कैन यू हेयर मी नाउ? सब समझ गए पक्का? इज इट फाइन नाउ? ओके बेटा, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, आई एम गोइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन, मे बी नाउ द बफरिंग इश्यू इज ओवर, एक बार फिर से बता देती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी से एक बार क्विकली सुन लो, अब
जो जिन जिन बच्चों को बफरिंग का प्रॉब्लम फेस हो रहा था, लिसन केयरफुली. हमने कहा ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज कर सकते हैं इन स्टडीइंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. ओके, सो हमने कहा कि जैसे हमारे पास जो कोई भी, अगर हम बात करेंगे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वजह से हम किसी जीन की एक्टिविटी यानी कि उसके वर्किंग को स्टडी कर सकते हैं, और उस जीन का क्या रोल है हमारी बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पे वो स्टडी कर सकते हैं. यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वजह से इट विल हेल्प अस टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड और किस तरह से वो हमारे नॉर्मल फंक्शंस, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शंस होती है, उसको वो कैसे इफेक्ट करते हैं. ये हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वजह से कर सकते हैं. बेटा, डिजीज डायग्नोसिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन जीन रेगुलेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से रिलेट किया कि एक हमारे पास जीन है ऑर्गेनिज्म के अंदर. लेट मी से दिस जीन इज वी कॉल एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन. ये जीन जो है ये क्या करता है, ये हमारे पास एक ग्रोथ फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद ये ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेगा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्चुअली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. ओके बच्चों, सो ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है, हम कहते हैं कि नॉर्मली हमें ये पता है कि इसका, इस फैक्टर का जो काम है वो है कि इट विल हेल्प इन ग्रोथ. ओके, इट विल एक्चुअली फैसिलिटेट इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, लेकिन ग्रोथ मैंने कहा कि वो एक छोटा सा इवेंट तो नहीं है, उसके लिए सिर्फ यही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है. ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स इवेंट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स का योगदान है. तो इसका रोल क्या है ग्रोथ में, अगर हमें वो स्टडी करना है तो हम एक ट्रांसजेनिक एनिमल बना के हम इस जीन की इफेक्टिविटी को, इसके वर्किंग को स्टडी कर सकते हैं. ओके, इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, हमने ILFGN की का एक्सप्रेशन हमें देखना है कि उसका ग्रोथ में क्या रोल है. तो हम एक ऐसा एनिमल बनाएंगे जिसमें ट्रांसजेनिक एनिमल इस तरह से बनाया जाएगा कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये ILF जीन जो है उसको इनएक्टिवेट किया जाएगा. ठीक है, उसकी जगह पे कोई फॉरेन जीन लगा दिया जाएगा. जब एक बार ILF जीन इनएक्टिवेट हो गया, वो एक्टिव नहीं है, तो कोई वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा. अब इस टाइम जो हम इस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंज हमें नजर आ रही है, कौन सी चेंज हमें इस ऑर्गेनिज्म में नजर आ रही है, इसकी ग्रोथ पैटर्न्स किस तरह से डिफर हो रहे हैं. वो जो डिफरेंस हमें नॉर्मल ग्रोथ और अब की वाली ग्रोथ में नजर आएगा, वही जो डिफरेंसेस है, इसका मतलब उन वो डिफरेंसेस किसने कंट्रीब्यूट किए थे, वो हमने हमारे इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वाले प्रोटीन ने यानी कि जीन ने कंट्रीब्यूट किए थे. ओके, सो इस तरह से हम किसी जीन की वर्किंग, उसके रेगुलेशन और उसका रोल हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी पे क्या है, उसको स्टडी कर सकते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डन? नो डिस्कशन इन द क्लास. इफ एनीवन इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, यू डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. बेटा, इसको, इसकी जगह पे हम इस जीन को रिप्लेस करके कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे. एग्जैक्टली. ओके, यस, क्विज भी होगा बेटा, ऑन टाइम ही होगा. देन नेक्स्ट वी विल से दैट दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर किसके लिए. दिस द सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल फॉर ट्रांसजेनिक एनिमल इज दैट दे हैव बीन यूज टू स्टडी डिजीज, इन द स्टडी ऑफ डिजीज. डिजीज को स्टडी करने में हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है दे कैन बी यूज. ओके, क्लियर? हम कहते हैं जनरली जो हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है, हाँ एग्जैक्टली, स्टडी ऑफ डिजीज, हम बहुत सारे ह्यूमन डिजीज को हम स्टडी कर पाएंगे. बहुत सारे ह्यूमन डिजीज को स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. So that is why they are said to be as models for
ह्यूमन डिजीज टेस्टिंग. ओके डन. यहां पे हमारे पास किस तरह से हम डिजीज को टेस्ट करेंगे, पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. लेट मी एज्यूम हमारे पास ये एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है एक्स. ये बीमारी कोई है. ओके लेट मी से दिस इज निमोनिया. ओके सो हम क्या करेंगे, हम यहां पर वो जो डिजीज कॉजिंग जीन जो है, इस निमोनिया का जो डिजीज कॉजिंग जीन है, एक्चुअली इस बैक्टीरियम का जो डिजीज कॉजिंग जीन है, सो वो हम कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हम इस एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम इस एनिमल को ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या सिम्टम्स ये डेवलप कर रहा है, क्या क्या चेंज इसमें हो रही है. ठीक है सो इस तरह से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि इस जीन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इस डिजीज के डेवलपमेंट में इस जीन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो हम पता करवा सकते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो हमने ये कहा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम डिजीज को एक डिजीज को स्टडी करने में भी यूज कर सकते हैं. किस तरह से? हमने ये कहा कि वो जो हमारे पास जीन, डिजीज कॉजिंग जीन जो है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन एनिमल्स के अंदर और उसके बाद इनको ऑब्जर्व किया जाता है. इन एनिमल्स में जो भी चेंज हमें नजर आएंगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे. दैट मीन्स वी वुड बी एबल टू फर्स्ट डिराइव द सिम्टम्स. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट पॉइंट हमारे पास ये है कि जब सिम्टम्स एक बार डेवलप हो जाएंगे तो हम इन एनिमल्स के ऊपर फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इनको दे के ये भी स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट इनके लिए बेटर होगा, किसके लिए बहुत इफेक्टिवली वर्कआउट कर पाएंगे. ओके यस एग्जैक्टली. जीन का हमने डिजीज कॉजिंग जीन को एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस किया, उसे ऑब्जर्व किया, उसके अंदर कौन सी चेंज आ रही है वो हमने ऑब्जर्व की और उसके बाद साथ साथ में हम इस एनिमल को यूज कर सकते हैं. किसके लिए? कि इसको हम डिफरेंट थेरापेटिक्स या ट्रीटमेंट्स देके हम ये स्टडी कर सकते हैं कि इस डिजीज को क्योर करने के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये भी हमें पता चल सकता है. ओके इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो बेटा यहां पर आपको एक एग्जाम्पल समझनी है. जैसे हमने कहा है कि बहुत सारी डिजीज को हम इस वजह से स्टडी कर पाए हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट माउस को हमने मोस्ट कॉमन ट्रांसजेनिक एनिमल बताया था. माउस इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसजेनिक एनिमल. टू स्टडी किसको स्टडी करने के लिए? ह्यूमन डिजीज. लाइक बहुत सारी ह्यूमन डिजीज को हम स्टडी कर पाए हैं बाय दिस ट्रांसजेनिक एनिमल. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैंसर, इजंट इट, रूमेटॉइड आर्थराइट्स, एंड yes other examples I have told you yesterday. Very good. Cystic fibrosis, well done. And Alzheimer's disease. Even Parkinson's disease. ये सारी डिजीज के बारे में हम स्टडी कर पाए हैं by these transgenic animals. Okay, well done. So tell me,
इन सब सभी डिजीज का जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल जो यूज किया था दैट वॉज एग्जैक्टली माउस. वेदर इट वॉज कैंसर, इट वॉज रिमेटॉइड आर्थराइट्स, इट वॉज सिस्टिक फिब्रोसिस, इट वॉज अल्जीमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, जो कॉमन ट्रांसजेनिक एनिमल जो यूज किया गया था दैट वॉज एग्जैक्टली द माउस. ओके, गॉट दिस थिंग? डन. चलो जी, ओके. नाउ लेट्स डिस्कस नाउ अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस अ नीट बूस्टर पॉइंट दैट इज अबाउट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ओके. हाँ जी, ओके. सो बेटा ध्यान से अब सुनो, हमने कहा ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए. ओके, सो अगर हम बात करेंगे, कुछ हमारे पास ऐसी ह्यूमन डिजीज होती है जिनको ट्रीट करने के लिए हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है, अगर हम कुछ ऐसी डिजीज की बात करेंगे जिनको ट्रीट करने के लिए हमें जो मेडिसिन चाहिए उनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और ऐसे प्रोडक्ट्स को जनरेट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव काम है. ठीक है, सो एक नॉर्मल जो एक नॉर्मल पर्सन जो है वो ऐसे मेडिसिन को अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा. इसीलिए क्या किया गया, ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं अब ये किन के अंदर बनाए गए, एनिमल्स के अंदर बनाए गए. ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को रेडिली अवेलेबल कर सकते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना पहले कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूज किया. हमने कहा कि जो हमारे पास जो ह्यूमन डिजीज होती है, कुछ ऐसी ह्यूमन डिजीज होती है जिनको ट्रीट करने के लिए हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए जिनमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो. ठीक है, बट ऐसी मेडिसिन को बनाने का के लिए देयर इज अ वेरी हाई टेक्निक प्रोसीजर एंड दे बिकम क्वाइट 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 एक्सपेंसिव, जिसे कि एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता. इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में वो जीन्स डाल दिए गए जो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते थे, और इस तरह से हम इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को रेडिली मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं. ठीक है, सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब इस तरह से मैनिपुलेट किए गए हैं सो दैट दे कैन रेज डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे, ये यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल यहां पे दे दी गई है विद रेफरेंस टू यस एक डिजीज है जिसका नाम है एम्फिसेमा. इजंट इट, नाम सुना है आपने एम्फिसेमा. एनसीईआरटी पे जब हम रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो वहां पर एक रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर ये भी दिया गया है, दैट इज वी कॉल एज एम्फिसेमा. व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर. वेरी गुड, जिसका मोस्ट कॉमन काज जो होता है वो क्या बताया जाता है, दैट्स कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग. ये आपका एक बार नीट में क्वेश्चन आया भी था, सिगरेट स्मोकिंग. बेसिकली अगर हम देखेंगे इस एम्फिसेमा में होता क्या है, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को. ओके, एम्फिसेमा में एक्चुअली डेफिशिएंसी होती है, इट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड एज, इस प्रोटीन का नाम क्या है, मैं अलग डिफरेंट इंक से लिखती हूं यहां पर, इट्स सेड टू बी एस अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन. गॉट दिस थिंग, एम्फिसेमा का कॉज आपको पहले समझना है.
यस, एम्फाइसेमा अगर बात करेंगे, हमने कहा कि ये एक ऐसी डिजीज होती है जहां पर एक्चुअली ये जो ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, इसकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। समझ आ गया? सो एक्चुअली अगर हम बात करेंगे, ये अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? इफ आई राइट इट हियर दैट कि ये अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है इट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ओके, गॉट दिस थिंग? ये लिवर प्रोड्यूस करता है और इसका काम क्या होता है? हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करना। इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, गॉट दिस थिंग? लंग्स को किससे प्रोटेक्ट करता है ये बेटा आप लिख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रोटीज होता है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल इलास्टेस। न्यूट्रोफिल इलास्टेस, ओके, ये हमारे लंग्स को इस न्यूट्रोफिल इलास्टेस से प्रोटेक्ट करता है। ओके क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूट्रोफिल इलास्टेस एक्सप्रेस हुआ, अगर ये एक्सप्रेस हुआ तब जाके होती है ये बीमारी जिसका नाम है एम्फाइसेमा। गॉट दिस थिंग? अंडरस्टैंड हुआ? देखो बेटा ध्यान से समझो रोल क्या है इसका। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है ये कहां से प्रोड्यूस होता है? इट्स प्रोड्यूस्ड अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, ये कहां से प्रोड्यूस होता है? इट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिवर। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को। किससे प्रोटेक्ट करता है? न्यूट्रोफिल इलास्टेस, जो कि एक्चुअली एक तरफ का प्रोटीएस है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारे पास न्यूट्रोफिल इलास्टेस अगर ये एक्सप्रेस हुआ तो क्या होगा? एम्फाइसीमा की बीमारी हो जाएगी। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन में ये न्यूट्रोफिल इलास्टेस अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इसकी डेफिशिएंसी में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और एम्फिसेमा की बीमारी लग जाएगी। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, दोबारा से बोल रही हूं बेटा। एम्फाइसीमा का समझो, इसको रटना नहीं है कि एम्फाइसीमा इज कॉज्ड बाय दिस 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 दिस। इसको इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली समझो, उसके बाद ये आपके दिमाग में रह जाएगा। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट। एक्चुअली एम्फाइसीमा जो है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसको कहा जाता है मोस्टली कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। ओके, तो एम्फाइसीमा बीमारी में होता क्या है? मैंने कहा एम्फाइसीमा में डिफिशियंसी होती है एक ह्यूमन प्रोटीन की जिसका नाम है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, ये जो अगर हम बात करेंगे अल्फा वन ट्रिप्स एंटीट्रिप्सिन जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? वी से ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन हमारे ब्लड में प्रोड्यूस ब्लड में अवेलेबल होता है, लेकिन प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? लिवर में। लिवर में ये अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस होता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लंग्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स इज इट्स बेसिक एम। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करना? क्योंकि अगर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीएस एंजाइम है, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोटीएस एंजाइम है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल इलास्टेस। ये न्यूट्रोफिल इलास्टेस अगर हमारे लंग्स पे अटैक करेगा तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्लाइन हो जाएगा और इस तरह से हमारी लंग्स डैमेज हो जाएंगी। ओके, गॉट दिस थिंग? तो अब ये जो हमारे पास अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ये न्यूट्रोफिल इलास्टेस जो है, ये न्यूट्रोफिल इलास्टेस जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। एक्सप्रेस किया तो इस बीमारी को नाम देंगे हम एम्फाइसेमा। अब देखो ट्रांसजेनिक एनिमल को कैसे यूज किया गया। ठीक है, यस, नाउ इफ आई विल से, अब क्या बताया गया? रिमेंबर दिस थिंग। अब ये ए टी जीन,
यानी कि अल्फा वन एंटोटिप्सिन जीन जो है, इस जीन को कहां पे डाल दिया गया? इट हैज बीन नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनटू ईव, ठीक है? कैन यू टेल मी व्हाट इज ईव? व्हाट इज ईव एवरीवन इन द चैट बॉक्स? ईव हम किसे नाम देते हैं? बर्ड? देखो बेटा, ईव जो है, ईव हम जनरली टर्म यूज करते हैं फीमेल शीप के लिए, फीमेल शीप, ओके? और ये एएटी जीन जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया कहां पे? इस फीमेल शीप जिसका नाम, जिसको हम ईव बोलते हैं, और इस ईव का जो नाम दिया गया, दैट वाज सेड टू बी अ स्ट्रेसी. रिमेंबर दिस थिंग, एएटी जीन यानी कि अल्फा वन एंटरोट्रिप्सिन जीन, इस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया किसमें? फीमेल शीप में. इस तरह से बनी हमारी ट्रांसजेनिक शीप. वी वेर एबल टू फॉर्म ट्रांसजेनिक एनिमल, और इसका नाम दे दिया गया ट्रेसी. ट्रेसी वॉज द नेम, ओके? ये ट्रेसी ट्रांसजेनिक एनिमल जो है, ये ईयर 1990 में बनाई गई इन स्कॉटलैंड. रिमेंबर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके? तो इसी जीन के अंदर, इट वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, पहला ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल जो डिजाइन किया गया किसी रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दिस वॉज एक्चुअली द ट्रेसी. रिमेंबर दिस थिंग, आई रिपीट अगेन, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट या टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन हर मिल्क, दैट वॉज एक्चुअली द ट्रेसी, ओके? हाँ, एग्जैक्टली, इसको क्लॉटिंग फैक्टर के लिए भी यूज किया गया. गॉट दिस थिंग? उसके बाद जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल जो अब बना, इस ट्रांसजेनिक एनिमल का जो मिल्क था, उस मिल्क में क्या पाया गया? अब नाउ देयर वॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जीन प्रोटीन, एंड इट वॉज यूज टू क्योर एम्फाइसिमा. गॉट दिस थिंग? ओके, डन. ये सबको अंडरस्टैंड हुआ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, बेटा मैं दोबारा से बताती हूं कि ये जो हमारे पास ए अल्फा वन एंटरोट्रिप्सिन जीन जो था, वो इंट्रोड्यूस किया गया किसमें? ईव में इंट्रोड्यूस किया गया. ईव यानी कि फीमेल शीप जिसका नाम था ट्रेसी, जो बनाई गई 1990 में इन स्कॉटलैंड, ओके? तो इसका, इसके साथ जो था, इसके एक्चुअली जो सेल्स थी उनमें ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और इस तरह से क्या हुआ कि जो ये हमारी ट्रेसी थी, जो इसने मिल्क प्रोड्यूस किया, उस मिल्क में क्या पाया जाता था? देयर वॉज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा वन एंटोट्रिप्सिन प्रोटीन, एंड दिस मिल्क वॉज यूज टू क्योर व्हाट? एम्फाइसिमा, ओके? यस, एग्जैक्टली.
Exactly, it will express in the mammary glands. As a result, the milk will contain this first recombinant protein. Okay? This was about the treatment of emphysema. Now, let's discuss about the next thing. Same other disease like PKU. PKU and ek dusri disease bhi thi hamari that we call as cystic fibrosis. PKU and cystic fibrosis were also treated the same way. Can you tell me what is PKU? What is the full form of PKU? PKU stands for? Yes, very good, Gaurav. Phenylketonuria. What is this disease? This is an inherited disease, isn't it? ये आप genetic disorders में भी देखेंगे inherited, और इसे हम hereditary disease भी कहेंगे. ठीक है? ये disease का अगर हम causative agent देखेंगे, actually ये बीमारी क्यों होती है? क्योंकि phenylketonuria means कि अगर हम इस person में देखेंगे, इस person में there is actually increased level of phenylalanine. Okay? बेटा ध्यान से सुनो, ये जो हमारे पास फिनाइलएलानिन जो है, फिनाइलएलानिन ये भी एक एमिनो एसिड है. इस फिनाइलएलानिन को एक्चुअली किसमें कन्वर्ट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज से जो ये हमारा फिनाइलएलानिन जो होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड दैट वी कॉल एज टायरोसिन. ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है. लेकिन फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज में क्या हो जाता है कि ये जो हमारे पास फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज जो है, यही एब्सेंट हो जाता है. ये एंजाइम जो है, इट गेट्स एब्सेंट. इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो हमारे पास फिनाइल एलानिन जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड. पाइरुविक एसिड. और ये फिनाइल पाइरुविक एसिड कहां पे एक्यूमुलेट हो सकता है? ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स स्पेशली ब्रेन में एक्यूमुलेट हो सकता है और उसे डैमेज कर सकता है. ये याद रख लेना इस डिजीज को. ओके? ट्रांसजेनिक डॉग वाज एक्चुअली डॉगी, DOGGIEE. एग्जैक्टली, एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है. फिनाइलकीटोन्यूरिया में हमने ये कहा कि एक्चुअली एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉडी में जो फिनाइलएलानिन की लेवल जो है वो बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इस फिनाइलएलानिन को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम था दैट वी कॉल एज फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो था वो एब्सेंट हो जाता है. एज अ रिजल्ट हमारा फिनाइलएलानिन, एक्सेसिव फिनाइलएलानिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होकर हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है. ओके? गॉट दिस थिंग? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में थोड़ा सा सुन लो बेटा. सो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस? अगेन वी विल से इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. है कि नहीं? रिसेसिव डिसऑर्डर. जनरली सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हो जाता है?
यहाँ पर देयर इज एक्चुअली एक्यूमुलेशन ऑफ, ज्यादा ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स, है कि नहीं? ग्लाइकोप्रोटीन ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट म्यूकस जो होता है वो किस में डेवलप होने लगता है, म्यूकस डेवलप्स इन द डक्ट्स ऑफ लीवर में एक्चुअली हो जाता है, इवन पैनक्रियास की जो डक्ट्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, या अगर हम बात करेंगे ब्रोंकियोल्स, सो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज होती है जो हम रिलेट करते हैं दो सिस्टम्स, इसमें तबाह बर्बाद हो जाते हैं, एक होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, गॉट दिस थिंग? क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर हम बात करेंगे वो म्यूकस क्यों बनता है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली, इसे कहा जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या है, इट इज एक्चुअली कॉज ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन हो जाती है जीन में, किस जीन में, कैन यू टेल मी, दैट वी कॉल एज CFTR जीन, CFTR जीन में म्यूटेशन हो जाती है, एज अ रिजल्ट CFTR स्टैंड फॉर, यहां पर लिख लेती हूं बेटा, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, याद रख लेना, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, इस जीन में म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है, ये अपना वो प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है, उस प्रोटीन का नाम था ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, अगर ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाता है, देयर इज एक्चुअली नो एक्सचेंज, जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है दे आर बिकम, देयर इज लेसर एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट एंड वाटर परमेबिलिटी, कैन यू हेयर मी नाउ? ऑडिबल टू ऑल? ठीक है बच्चों, तो हम किस डिजीज के बारे में पढ़ रही थी, लेट मी चेक नाउ, ओके, ओके, हम किस डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इजंट इट, यस, तो चलो बच्चों अब आप मुझे ये बताओ कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इसमें कौन कौन से सिस्टम्स इफेक्ट हो जाते हैं, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जो बच्चे अभी तक बातें कर रहे थे अब वो बताओ बेटा कि चैट बॉक्स में देख लोगे अभी क्या हो रहा था, सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सा सिस्टम इफेक्ट होगा,
Very good. Respiratory and digestive system. कौन से प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी? किस प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी? किस प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी एवरीवन? वेरी गुड आदित्य, अंजलि, नाइस. दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइको, ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस प्रोटीन. इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाला जीन कौन सा था बेटा? टेल मी द नेम ऑफ द जीन दैट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. CFTR. Everyone, tell me the full form of CFTR. What does CFTR stand for? CFTR stands for CFTR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. Very good Aditya, well done. Now we are having another transgenic animal. चलो बेटा next अगर हम बात करेंगे, if we have here एक दूसरा ट्रांसजेनिक एनिमल बताया गया इन ईयर 1997 एंड नेक्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज बीइंग फॉर्म्ड. ट्रांसजेनिक काउ, यू नो दिस थिंग वेरी वेल. व्हाट वाज इट्स नेम? रोजी. क्यों बनाया गया इसको? ताकि हम क्या प्रोड्यूस कर सके? ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क. यानी कि इस रोजी के अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया. इसे ट्रांसजेनिक कैसे बनाया गया? इस रोजी काउ के अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया जो क्या प्रोड्यूस कर सकता था? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन. इसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस किया गया इस रोजी काउ के अंदर. एज अ रिजल्ट जो इसका मिल्क जो होगा, अभी मिल्क जो इसका होगा दैट वुड बी हाईली एनरिच. उसमें कौन सा प्रोटीन होगा? उसमें जो एक्चुअली लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनके जो मिल्क में क्या होता है, एक एसेंशियल डेंस प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन. ठीक है, सो ये अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो है इट्स वेरी वेरी नेसेसर फॉर द न्यूली बॉर्न इन्फेंट. ओके, सो कुछ कभी कभी क्या होता है, या तो हम बोल सकते हैं कि मतलब कुछ हार्मोनल डिफेक्ट्स की वजह से मदर जो है इनिशियली लैक्टेट नहीं कर पाती है. ठीक है, या कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब कभी सडनली एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन मदर की डेथ हो जाती है. ठीक है, बहुत सारे केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि हम उस न्यूली बॉर्न इन्फेंट को फीड करवा सकते हैं विद दिस रोज विद द मिल्क ऑफ दिस रोजी काउ बिकॉज इट विल कंटेन इनफ अमाउंट ऑफ अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये बोला जाता है कि ये जो अगर हम बात करेंगे अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज सेड टू बी 2.4 ग्राम्स पर लीटर. अगर हम एक लीटर में बात करेंगे तो एक लीटर में ये जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी दैट इज सेड टू बी 2.4 ग्राम्स. इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो दिस मिल्क इज नाउ यूज्ड टू फीड ह्यूमन
बेबीज, और इसमें बिल्कुल वही टेक्सचर होगा, वही न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा जो किसमें, जो उस बेबी को कहाँ से मिलेगा, इफ एंड ऑल इट फीड्स फ्रॉम द मदर. ओके, गॉट दिस थिंग? ये ट्रांसजेनिक काउ है बेटा. डन? तो ये तो रहा हमारे पास, दिस वॉज अबाउट द ट्रांसजेनिक काउ. ट्रांसजेनिक शीप भी आपने पढ़ लिया. अब एक और है दैट वी कॉल इज एक्चुअली, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी सुन लो, ट्रांसजेनिक डॉग, जिसका नाम था डॉगी. इसमें क्या किया गया, अगर आप देखोगे इसमें हाई ऑल्फेक्शन दिया गया. इसमें ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस किए कि इसका स्मेलिंग पावर जो था वो इंटेंसिवली बहुत ज्यादा हाई था. ठीक है? या ये वो वाला डॉगी नहीं है जो घर में आप पालते हो, वो वाला डॉगी नहीं है ये. ये बहुत ही इफेक्टिव डॉगी था. ओके? में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था तो इसी डॉगी ने बहुत अच्छा योगदान दिया. इसकी वजह से बहुत सारे जो इंजर्ड लोग लोग थे ये उसकी तरफ ट्रेस हो पाता था और उनको रिकवर किया गया. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो अटैक हुआ था, रिमेम्बर दिस थिंग, इन 2001, दिस ट्रांसजेनिक डॉग दैट इज वी कॉल एज डॉगी, इसको यूज किया गया था किनको पकड़ने के लिए, ढूंढ ढूंढ से उस बिल्डिंग के अंदर, डेब्रिस के अंदर जो भी इंजर्ड पर्सन थे उन्हें रिकवर किया गया. ओके? वैसे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल फॉर जनरल नॉलेज. डिफेंस पर्पस के लिए नहीं बेटा, इंजर्ड पर्सन को ट्रेस करने के लिए इसको यूज किया गया. यस, बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम इसको यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो हमने पर्टिकुलर रेफरेंस दिया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था 2001 में, वहां पर इसी डॉग को यूज किया गया था. ओके? ये आपका जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन बन सकता है. नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट थिंग दैट कि अब हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को दोबारा किस पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम बताएंगे, फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग. वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, देखो अभी भी अगर हम बात करेंगे, जैसे अभी तो बहुत खतरनाक बीमारी ने पकड़ रखा है, दैट इज COVID-19. तो अभी जितने भी, देखो अभी इटली क्लेम कर रहा है कि उनके पास आया है वैक्सीन, चाइना इज एक्चुअली ऑन द वे, स्पेन इज मेकिंग इट्स एफर्ट्स, यूएस इज मेकिंग इट्स एफर्ट्स. ओके? क्या करने के लिए? वैक्सीन बनाने के लिए. लेकिन वो वैक्सीन अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी जो भी सेफ्टी टेस्टिंग होती है वो कंप्लीटली बैंड है किन के ऊपर? ह्यूमंस के ऊपर. ठीक है? इसीलिए वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग किन पे कराई जाती है? जो हमारे बहुत क्लोज मेंबर्स होते हैं. जनरली रेसस मंकी पे सेफ वैक्सीन टेस्टिंग कराई जाती है. ठीक है? अभी भी अगर हम बात करेंगे, इटली ने, चाइना ने क्लेम किया था कि उन्होंने COVID-19 के लिए वैक्सीन जो है बना रहे हैं, उसके काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. लेकिन उन्होंने उस पर भी टेस्टिंग जो की थी, टेस्टिंग अप्रूवल उन्होंने जो दिया था, दैट वाज यूज्ड दिस रेसस मंकी. ठीक है? तो हमने ये कहा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को किसी भी, जब भी कोई एपिडेमिक ब्रेकआउट होता है या जब भी कोई नए वैक्सीन्स बनाए जाते हैं, उन्हें पहले मार्केट करने से पहले, उन्हें लोगों तक देने से पहले, उन्हें क्या किया जाता है, उनकी सेफ्टी टेस्टिंग करवाई जाती है इन्हीं एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करके. ठीक है? सो दैट ये पता चले कि क्या ये वैक्सीन जो है ये इफेक्टिव है, ये कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, क्या ये सेफ है ह्यूमंस के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए. दैट इज व्हाई दीज एनिमल्स आर मेड टू सफर. ओके? गॉट दिस थिंग? सो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, इससे पहले कि हम उन्हें ह्यूमंस पे यूज करें. ओके? सो जनरली अगर हम यहाँ पे एक, आपकी एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखी है कि पोलियो वैक्सीन के लिए जो ट्रांसजेनिक एनिमल जो बनाया गया, यूज किया गया, व्हाट वाज दैट? दैट वाज एक्चुअली द माइस. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और मोस्टली माइस को ही हम यूज करते हैं.
ओके, गॉट दिस थिंग। पहले पहले क्या था, पहले अगर आप देखेंगे मंकीज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, बेचारे इनको बहुत सफर करवाया जाता था। लेकिन अब मंकीज से नजर हट के अब किनको ज्यादा फोकस में लिया जा रहा है, माइस को लिया जा रहा है। ठीक है, गॉट दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट इज वी कॉल एज वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। यस एग्जैक्टली, सो वी आर हैविंग नाउ द नेक्स्ट, दैट इज वी कॉल एज, दिस वॉज वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग एंड द थर्ड इज वी कॉल एज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। What does it mean, chemical safety testing? Testing. देखो बेटा, ये उससे different है। इसको हम toxicity safety safety testing भी कह सकते हैं। Safety testing. अगर हम बात करेंगे, प्रोसीजर सेम ही होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि हमें ये, हमने कोई केमिकल बनाया, जनरली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, उन्हें मार्केट में लाने से पहले, क्योंकि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आएगा तो सब टूट पड़ जाते हैं, तो टूट पड़ गए सब, छा गए सब उसके ऊपर, इससे बेटर है कि हम इसको चेक करें कि ये क्या ये सेफ है या नहीं है। ओके, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ये जो हमारे जो भी केमिकल्स बनाए जाते हैं, उन्हें पहले उन्हें टेस्ट किया जाता है एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन एनिमल्स के ऊपर इनको टेस्ट करवाया जाता है, केमिकल्स को पर्टिकुलरली, पहले उन्हें हाइपर सेंसिटिव बनाया जाता है। ठीक है, दे आर फर्स्ट, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस थिंग, मार्क दिस पॉइंट, कि जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, जिनमें हम ये जीन्स एक्चुअली जो इसके लिए सेंसिटिविटी डेवलप करवाएंगे, उन्हें बहुत ज्यादा एक्टिव करवाया जाता है। ठीक है, सो जो हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है, उन्हें क्या किया जाता है, दे आर मेड हाइपर एक्टिव फर्स्ट। ठीक है, हाइपर एक्टिव हम कैसे बनाएंगे इनको, देखो ध्यान से समझो। लेट मी एज्यूम दिस इज एक्स एनी एनिमल एंड दिस इज वाई एनी एनिमल। ठीक है, तो एक्स में हम क्या कर देंगे, इसमें हम वो जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे जो इसे इस केमिकल के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बना देगा। गॉट दिस थिंग, ये समझो कॉन्सेप्ट को, कैसे करवाई जाती है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। एक्स और वाई, हमारे पास दो एनिमल्स है, एक्स में हमने कहा कि हम वो जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे जिस जीन की वजह से इसकी जो रिस्पॉन्स जो है, इसका जो इंट्रैक्शन इस केमिकल के लिए जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके जीन को ऑल्टर किया कि नहीं, बनाया हमने ट्रांसजेनिक एनिमल की नहीं, फिर इस ट्रांसजेनिक एनिमल को हम उस केमिकल से ट्रीट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट कैसा होगा। इस वजह से एक तो क्यों, बिकॉज अगर हम एक नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल में ये कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा टेस्ट, मतलब डिले हो जाएगा हमारा रिपोर्ट आते, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमें, हमारा बेसिक पॉइंट ये होता है कि केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, हम उनमें क्या करते हैं, हम उनमें ऐसे जीन्स, मतलब उनके जो जीन्स होते हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन को इम्प्रूव कर देते हैं, हाइपर एक्टिव जीन्स उधर इंसर्ट करके उन्हें बहुत ज्यादा रिलायबल बना देते हैं किसी भी केमिकल के लिए, सो दैट जब हम इनको किसी भी केमिकल से एक्सपोज करें, इनके ये हाइपर एक्टिव जीन्स बहुत क्विकली उस केमिकल को रिस्पॉन्ड करें और बताएं कि क्या ये केमिकल उनके लिए सेफ है या नहीं है। सो दिस इज द बेसिक यूटिलिटी फॉर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ओके, हाँ 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 बिल्कुल, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली चैलेंज, लैक्मी, लोरियल। ठीक है, देखा, हमारी स्किन को साफ करने के लिए, हमारी स्किन को केयर करने के लिए भी बहुत सारे लोग बेचारे जो है कुर्बान हो जाते हैं।
Got this thing? Now, next हमारे पास जो है दैट इज एक्चुअली अबाउट एथिकल इश्यूज. अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट के लिए हमने किन को यूज किया? अभी एनिमल्स को यूज किया. उनमें हमने जीन्स ऑल्टर किए तब जाके वो बन गए क्या? ट्रांसजेनिक एनिमल्स. देखो जी, अब अगर हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज क्या है, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि जो जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो बिल्कुल बेकार होते हैं. जो बेकार लोग होते हैं उनका काम होता है क्या बेटा? इधर उधर, इधर इधर, हर जगह हाथ पैर डालना, isn't it? क्योंकि उनको पता है हमारे पास कोई काम नहीं है, चलो जो काम करें उनका काम बिगाड़ते हैं. सो सेम इज द केस है एथिकल इश्यूज में. क्या हुआ कि अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च वर्क्स हुए, बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन हमने देखा कि इन प्रोडक्ट्स में जब ये प्रोडक्ट्स जनरेट किए जाते हैं तो इसमें एनिमल्स को यूज किया जाता है. एनिमल्स आर मेड टू सफर. ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने क्या कहा कि चलो प्रोडक्ट तो हमें मिल रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो एनिमल्स को यूज किया है, ठीक है, तो क्या आपने उनको किसी एक्यूट लेवल पे हार्म तो नहीं किया है? ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के प्रोसीजर में जो भी हमने एनिमल्स को यूज किया हुआ है, उन एनिमल्स को हमें ये ध्यान में रखना है कि कहीं उनको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई. दे टॉर्चर और दे वेर मेड टू सफर. अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को पेनल्टी भी देनी पड़ती है. और ये देखना, ये चेक करना कि जो प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं उसके लिए जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज हो रहे हैं, क्या इन एनिमल्स को ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्या इनको ज्यादा सफर तो नहीं करना पड़ता, क्या ये ज्यादा हार्म तो नहीं होते. इस सब को चेक करने के लिए हमारे पास भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल बना रखा है. वो पैनल जिसे हम नाम देते, जिसका एक्चुअली फुल फॉर्म डायरेक्टली क्वेश्चन में आया था, दैट वी यूज टू कॉल इट एज GEAC. GEAC, that stands for, ये एक बार डायरेक्ट MCQ में भी आया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. दिस हैज बीन एक्चुअली सेट अप इन इंडिया टू चेक आउट कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें जो एनिमल्स यूज हो रहे हैं, क्या उन एनिमल्स के ऊपर ज्यादा टॉर्चर तो नहीं हो रहा है, क्या वो हार्म तो नहीं हो रहे हैं. सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं, इवन अगर जैसे हम बात करेंगे प्लांट्स, अगर ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जा रहे हैं तो वो भी देखना है कि ये जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं क्या इसमें कोई वीड तो नहीं, खतरनाक वीड तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्या कोई खतरनाक पॉलन तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्या कोई खतरनाक एक्सक्रीशंस लाइक इसमें कोई हम बोल सकते हैं जैसे लेटेक्स इसका, या अगर हम बोलेंगे वैक्स या कोई भी सेक्रीशंस इसकी जो है, कहीं वो हार्मफुल तो नहीं है हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए. अगर वो हार्मफुल नहीं है, पहले इनको टेस्टिंग करते हैं. GEAC इसको पहले मार्केट में देने से पहले, हमारा जो भी प्रोडक्ट है इसे मार्केट में देने से पहले GEAC जो है ये इस पूरे प्रोसीजर को चेक करेंगी, किस तरह से ये बना, इस प्रोसेस में कहीं कितना नुकसान हुआ, किस किस एनिमल को यूज किया गया, किन किन कंडीशंस के थ्रू उस बेचारे एनिमल को जाना पड़ा, उस प्लांट को सफर होना पड़ा, वट एवर. तो अगर वो इन्हें लगा कि हाँ एथिकली ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये ज्यादा कुछ टॉर्चर वॉर्चर नहीं हुआ है, तब जाके ये उस प्रोडक्ट को इश्यू कर देते हैं और उस प्रोडक्ट की फर्दर जो है उसकी कॉपीज बनाई जाती है और उसे मार्केट में वायबली डिस्पैच कर दिया जाता है. ओके, बेटा अप्राइजल भी लिखा हुआ है, दैट्स ओके, बट द थिंग इज दैट कि जो आपकी NCERT पे लिखा हुआ बेटा आपको उसी को फॉलो करना होगा. डन, ओके. अब अगर हम बात करेंगे, अब यहां पे आता है कॉन्सेप्ट क्या, चोरा चोरी का. देखो जी,
एक होता है टर्म यहां पे बायो पेटेंट और दूसरा होता है बायो पायरेसी। ठीक है, पेटेंट क्या होता है? एक हक, एक अधिकार, ऑफिशियल राइट, ऑफिशियल राइट को पेटेंट कहा जाता है। देखो जी, अब हमारे पास इतनी MNCs है, ठीक है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, बायोटेक हर एक कंट्री में क्या हो रहा है कि सब क्या कर रहे हैं, नए नए GMOs बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जो बायो पेटेंट जो है ये एक्चुअली कंजर्व करता है हमारे प्रोसेसेस को और हमारे प्रोसीजर्स को। बायो पेटेंट एक ऑफिशियल राइट होता है जो एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस कंपनी बेयरर को कि वो इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू वो इस प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगी, और वो प्रोसेस प्रोसीजर जो है वो बस उनका हक होगा। उस प्रोसेस, उस प्रोसीजर से बस ये कंपनी जो है ये प्रोडक्ट जनरेट कर सकती है। ये बायो पेटेंट जो है ये कोई, इस बायो पेटेंट को कोई दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती, यानी कि इस प्रोसेस, इस प्रोसीजर को कोई दूसरी कंपनी फॉलो करके सेम ऐसा रेप्लिका कॉपी नहीं बना सकती। यानी कि एक कंपनी को एक ऑफिशियल राइट मिलता है कि हाँ, अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, आपका प्रोसीजर ये है, ये इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब सब कुछ आप एम्प्लॉय कर रहे हो, ठीक है, ये प्रोसीजर, ये सारा प्रोसेस जो है ये सिर्फ आपको, ये हक सिर्फ आपको दे दिया जाएगा। सो ये आपका एक ऑफिशियल राइट है इस टेक्निक से, इस प्रोसीजर से इस प्रोडक्ट को जनरेट करना। अब किसी दूसरी कंपनी को ये नहीं दिया जा सकता। दूसरी कोई भी, देखो जैसे अगर हम बात करेंगे, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगी, हमारे पास लेस है, ओके, हमारे पास बिंगो टेरे मेरे भी है, हमारे पास मैड एंगल्स भी है, इस लेस के कितने सारे वेराइटीज मतलब उसी टाइप में आते हैं, लेकिन लेस जैसा टेस्ट जो है वो आप किसी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं देखोगे, इजंट इट? वो क्या होता है, क्योंकि जो लेस जो कंपनी है उनको क्या है, उनको एक ऑफिशियल राइट है, उनको पता है कि हमें किस तरह से किस पोटैटो को यूज करना है, उसकी स्लाइसिंग कैसे करनी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या यूज करने हैं, तो वो उनका एक अधिकार है, उस प्रोसेस के थ्रू वो अपना प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? बाकी सारी, इतनी सारी कंपनीज आई लेकिन वो सेम उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके इस सारी चीजों को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, गॉट दिस थिंग? हाँ, अब अगर हम बात करेंगे बायोपायरेसी क्या हुआ, बायोपायरेसी क्या हुआ कि अगर हम देखेंगे चोरी करना, ठीक है, रॉबिंग डाउन, एक अनएथिकल पार्ट, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि जैसे अगर हम बात करेंगे कि कुछ इतनी वेल डेवलप्ड कंट्रीज होती है लेकिन उनमें बायोडाइवर्सिटी जो होती है उतनी वेल फ्लोरिश नहीं होती, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल कल्चर जो है उसकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा है और उसके एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे नीम, तुलसी एंड ऑल दैट, तो ये सब हमें पता है कि हम किस तरह से, हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे कल्चरल एथिक्स में ऐसा है कि हमें पता है कि नीम को कहाँ कैसे यूज किया जाएगा, टर्मरिक को कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है, क्या क्या मेडिसिनल प्लांट्स है, किस तरह से हम उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी वेल डेवलप्ड कंट्रीज भी ऐसी है कि जहां पे ट्रेडिशनल कल्चर उतना अच्छा नहीं है, जहां पे उतनी वेल बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो वो वहां पे प्रोडक्ट्स को उतना ज्यादा कंज्यूम करके नहीं जनरेट कर सकती नई चीजें। ओके, तो अब उनका काम क्या होता है, वो देखती है, उनकी एक आई इस पे होती है कि किस कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, उन्होंने इसका प्रोसीजर क्या ले लिया, ठीक है, और अब वो उसी प्रोसीजर को खुद मैनिपुलेट करके, उसी प्रोसीजर में थोड़ी सी इधर उधर की ऑल्टरेशन डाल के उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जो प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी कंपनी ने बनाया होगा। ये जो चोरा चोरी का काम चल रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं बायो पायरेसी। बायो पायरेसी से हमारी एनसीईआरटी में काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू राइस। ओके, तो अगर हम इस राइस की बात करेंगे, इसको हमसे चुरा रहे थे कौन, न्यूएस वाले। देखो जी, राइस अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, इजंट इट? इवन इट्स अ स्टेपल फूड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में अभी तक कितनी वेराइटीज हैं? देयर आर एक्चुअली 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया। ओके, सो अगर हम बात करेंगे सबसे रिचेस्ट डाइवर्सिटी अगर राइस की बताई जाए, तो वो पूरे वर्ल्ड में वो किसके पास है, वो हमारे इंडिया के पास है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, राइस की एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है बासमती राइस। देखा होगा, बिरयानी खाते होंगे आप, पुलाव खाते होंगे, तो हम यूज करते हैं स्पेशली बासमती राइस। बासमती राइस काफी फेमस है फॉर इट्स अरोमा, बहुत ज्यादा। अगर आप देखोगे आपने घर में आप बिरयानी बनाई होगी या कुछ भी बनाया होगा, मटर पुलाव बनाया होगा, तो वो जो स्मेल होती है, उसका जो फ्रेग्रेंस होता है, वो अरोमा जो होता है, वो काफी देर तक घर पे रहता है। इट्स नोन फॉर इट्स अरोमा एज वेल एज इट्स फ्रेग्रेंस। हाँ यस। तो अगर आप देखेंगे, अब क्या हो गया कि यहां पर इस बासमती राइस का हमारे पास अभी अगर वेराइटीज बासमती राइस की बताई जाए तो कितनी वेराइटीज है हमारे पास, 27 वेराइटीज है बासमती की जो इंडिया में भी ग्रो हो रही है। ठीक है। सो क्या हुआ कि अब अमेरिका को नजर पड़ गई। 1997 में एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी ने क्या किया, उन्होंने हमारे इस पेटेंट को छीन लिया। ठीक है। उनको क्या मिल गया, उस कंपनी को मिल गया पेटेंट राइट्स। उसको बायो पेटेंट दिया गया किसके लिए, टू जनरेट बासमती, जो कि हमारा अपना था, ठीक, जो हमारा ट्रेडिशनल रह चुका है। तो उन्होंने भी बासमती प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली बासमती तो नहीं नाम रख सकते थे, उन्होंने क्या नाम दिया, एक नई वैरायटी एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर दी बासमती की, जिसे उन्होंने नाम दिया टेक्सामती। ठीक है। बासमती को रिप्लेस किया किससे, टेक्सामती, टेक्सामैटिक भी इसको कहीं जगह लिखा है, टेक्सामती। ओके। So, ये वैरायटी इन्होंने कैसे बनाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारा ही बासमती राइस चुराया। बासमती राइस को चुरा के उसकी क्रॉसिंग करवाई किससे, सेमेडोर वैरायटीज ऑफ राइस से, और एक नया नो बोला कि ये हमने एक नया वैरायटी निकाल दिया, एक नया नोवल, नोवल मीन्स निव, नई वैरायटी इंट्रोड्यूस की। ऑल दो उसका उसमें वो वैरायटी जो थी वो किसकी थी, वो हमारी अपनी थी, उन्होंने जस्ट उसमें थोड़ा सा ऑल्टरेशन जनरेट किया और अपना ये प्रोडक्ट डेवलप किया। लेकिन उसके बाद जो इंडिया के रिसर्च वर्कर्स थे, उन्होंने इनके अगेंस्ट फाइल केस फाइल कर दिया और इनसे अपना पेटेंट जो है वो वापस छीन लिया। ओके, गॉट दिस थिंग। इस तरह से हमने अपने बासमती राइस को अपना इंडिजिनस जो पेटेंट था वो मेंटेन करवाया और बासमती को हाँ एक्सेलिंग से बचाया। ओके, गॉट दिस थिंग। और सेम कॉन्सेप्ट हुआ टर्मरिक के साथ भी और नीम के साथ भी। ओके। ओके, ग्रेट। चलो जी, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इथिकल इश्यूज। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। सो बच्चों, ये चैप्टर जो है इसका कल एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होने वाला है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके आए। अनलकीली कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए कल जो किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे। ठीक है। बिकॉज कल आपकी स्कोर्स जो है वो मैं किसी और से नोट करवाऊंगी। ओके। आपकी स्कोर्स एट द एंड मैं खुद बताऊंगी। गॉट दिस थिंग। एंड वन थिंग, लेट मी एडवाइस यू ऑल, जाते जाते मेरी एक एडवाइस भी सुनो बेटा। मैम इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, बट मैम इज सीइंग एवरी चैट जो आप फिर डिलीट करते हो बेटा, किसी को बातें कर करके बीच में फिर रिट्रैक्ट कर लेते हो। मैम कैन फाइंड एवरी थिंग, सो डोंट एक्ट स्मार्ट। ओके। पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं दोबारा बताती हूँ, फोकस ऑन स्टडीज। इफ इट्स अ लेक्चर टाइम देन फोकस, गिव यूर बेस्ट, गिव यूर 100% इन द लेक्चर। बिकॉज यहाँ पे इस लेक्चर में आपको बेटा बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट स्टिल यू वुड बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स एंड कुछ नई चीजें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो आप बेटा प्लीज और प्लीज ध्यान से पढ़ा करो, सुना करो, समझा करो। ओके। बाकी आप लोग काफी मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी है। ये ना कहावत सुनी है ना आपने,
Kumar Roy, Muskan. Art by Swati. चलो कोई बात नहीं, अभी आई विल से दैट इट इज माई लास्ट सजेशन टू एवरी वन कि बस लेक्चर के टाइम लेक्चर पे फोकस, अदरवाइज इन द नेक्स्ट टाइम व्हाट आई विल डू, मेरे पास बहुत इजी ऑप्शन है, यहां पे जाऊंगी मैं ओके बेटा, यहां पे जाके मैं आराम से आपको ब्लॉक कर दूंगी. ओके, आई डोंट हैव टू, बस क्लिक करना है और ब्लॉक करना है. ठीक है बच्चों, समझ गए मैम की धमकी. ओके, एनीवेज गुड बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड. डेमो दिखा दूंगी आदित्य कल. ओके, जो बच्चे अच्छे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कल. सो गुड बाय, और जाने से पहले सेशन को डेफिनेटली लाइक करना, ऐसे खाली मुंह नहीं चले जाना. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.